मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार को अपनी एक नजर खंडवा की तरफ भी कर लेना चाहिए, जहां हाट बाजार के बीच में शराब की दुकान है। शराबी शराब पीकर नशे में धुत हो जाते हैं और फिर नशे की हालत में महिलाओं के साथ छेड़खानी और अभद्र व्यवहार करते हैं। सवाल उठता है कि क्या महिलाएं अब बाजार में खरीदी करना ही बंद कर दें, शराबियों के डर से घर में बैठ जाएं? शासन खुद ही बताए कि महिलाएं क्या करें। पूर्ण शराबबंदी करना तो सरकार के लिए दूर की कौड़ी ही नजर आता है, पर कम से कम ऐसे शराब ठेकों का तो लाइसेंस निरस्त किया जाए जो बाजार, स्कूल और धार्मिक स्थल के करीब है, और नियम भी यही कहता है, पर शासन अपने ही नियमों को धता बताते हुए दिखाई दे रहा है। यह पूरा मामला खंडवा जिले के तहसील मुख्यालय खालवा का है। हाट बाजार के मध्य स्कूल और मंदिर के पास में यहां शराब की दुकान धड़ल्ले से चल रही है। नशे में धुत शराबी आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। इसी क्षेत्र में स्कूल भी है। स्कूली बच्चों को शराब दुकान के करीब से ही स्कूल आना जाना पड़ता है। अब आप खुद सोचकर देखिए कि इसका प्रभाव बच्चों पर क्या पड़ता होगा। आए दिन शराबी मारपीट और अभद्रता करते हैं, पर लगता है जैसे प्रशासन या तो अपनी आंखें बंद किए हुए है या गहरी नींद में सोया हुआ है, जो उसका इस और कोई ध्यान ही नहीं है। रहवासी लगातार शराब दुकान को कहीं और शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं, पर उनकी सुनता कोई नहीं है। ऐसे में रहवासियों का गुस्सा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।